टडंग टडंग टडंग, नया शहर नई जगह और जेब में है सिर्फ 100 रुपए। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात सुबह और शाम सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, वो भी भुवनेश्वर में। सिखान, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइस और मैं हूँ सैम भुवनेश्वर के राम मंदिर के बाहर, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई। और यहाँ पे गाइस एक दुकान है जिसके अंदर ना सारे के सारे लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो चलो चल के देखते हैं कि ऐसा क्या मिलता है इनके यहाँ जो इतनी सारी भीड़ लगी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते, ये बताइए ये सारी चीजें क्या क्या है? लड्डू तो ये है, बट ये मुझे लगता है गाइस ये पीठा ही होगा। और ये तो वड़ा पाव का वड़ा जैसा दिख रहा है मुझे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बढ़िया। एंड गाइस ये देखो, गर्मा गर्म समोसे भी आए हुए हैं। ये क्या है? ऐसे चौकर चौकर ये गद्दा, खीरा गद्दा, खीरा गद्दा। अरे भैया, खीरा गद्दा का तो नाम ही पहली बार सुना है। तो ये सब भैया कितने के? 10 रुपया पीस है। तो मुझे एक ये दे दो और एक समोसा दे दो। गाइस मुझे लगता है ना ये यहाँ का ना लोकल फूड है, जो सब लोग बड़े आराम से प्लेट भर भर के खाए चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, इसके साथ दाल कहाँ? नहीं दाल इसके साथ, अरे दाल खाते, इसी साथ दाल खाते हैं। थोड़ा देना थोड़ा। अच्छा, मतलब समोसा और भंडे के साथ दाल? मतलब दाल तो हम दाल चावल खाते हैं। So guys, ये आ गया मेरा पूरे के पूरे 20 रुपए का ब्रेकफास्ट, इतना रीजनेबल कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखो क्या क्या आया हमारी थाली में। गाइज यहाँ पे है ये भोंडा, जिसको यहाँ पे भोंडा बोलते हैं, हम वड़ा बोलते हैं। ये है समोसा, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द समोसा। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे है ये चने की दाल, और इसके अंदर गाइज एक बात बताऊं, ये दाल ना इसको यहाँ पे बोलते हैं दाल माँ। अभी तक राजमा तो सुना होगा, यहाँ उड़ीसा आते मैंने सिखाया गाइज दाल माँ, ये चने की दाल है। एंड पता है जब इसको मैं माँ लगता है ना, तो जब मम्मी लोगों को ना दाल के अंदर बच्चों को बहुत सारी सब्जियाँ खिलानी होती है ना, तो बन जाती है वो दाल माँ। क्योंकि इस दाल के अंदर गाइज बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी है, इसके अंदर लौकी पड़ी है, लौकी। आज तक समोसों के साथ तो हरी चटनी, मीठी चटनी, इमली की चटनी, खजूर की चटनी खाई, और आज ये बेचारा समोसा मुझे दाल माँ के साथ खाना पड़ेगा। तो चलो ट्राई करते हैं कैसा है। पहले गाइस मैं ये खाऊंगी भोंडा। ओके, अरे गाइस इसके अंदर तो बहुत सारी सब्जियां पड़ी है। देखो इसके अंदर तो मटर, गाजर, आलू सब कुछ पड़ा है। ओ माय गॉड, इसका जो टेक्सचर है ना, वो मुझे अपने बॉम्बे जैसे वड़ा की तरह नहीं दिख रहा है। हां जाड़ा है, ये जाड़ा जाड़ा एकदम मेजर जाड़ा। हां सब्जी इसके अंदर कोकोनट भी है ना, ये भी ठीक है गाइस, ऐसा बुरा नहीं है, बट ये भी ठीक ठीक है। अब खाऊंगी ये बड़ा सारा समोसा। ऑलराइट, हां इसके अंदर तो बड़ा है आलू, पीनट एंड मटर का मसाला। ये समोसा ना, ये समोसा इज मच बेटर देन दिस आलू का भंडा। एकदम कलकत्ता स्टाइल है समोसा सच्ची, बट कलकत्ता में मिनी 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 समोसा मिलता है, यहाँ पे इतना बड़ा समोसा गाइस, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में, 20 रुपए में, तो मजा आ गया ब्रेकफास्ट करके। इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच करने के लिए मैं आ गई हूँ शहीद मार्ग। यहाँ पे इतने डिफरेंट वैरायटी के रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप भर पेट जो है लंच कर सकते हैं, वो भी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग। जितने पैसे हो ना आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप अपना खाना चूज कर सकते हो। चलो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ, यहाँ पे कितनी वैरायटी का खाना मिलता है। सो कम, सो गाइज यहाँ पे लगी है बहुत सारी सब्जियाँ, चावल और अलग अलग तरीके की सब्जियाँ लगी है। तो सबसे पहले चालू करते गाइस, देखो इतना बड़ा बोल ऑफ जो है बोल क्या कढ़ाई ऑफ राइस है गाइस। तो अच्छा भैया ये बताइए, ये कितने की चालू होती है? ये देखो ये तो येलो वाली दाल है अपने अरहर वाली दाल में। ओह हो क्या बात है, मिर्ची का तो तड़का शड़का इन्होंने मारा है। तो ये क्या हिसाब से मिलता है यहाँ पे? अलग अलग रहता है, हम लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। चूज कर सकते। तो ये दाल कितने की पड़ेगी? ये 10 का आएगा। अच्छा 10 का है, तो कटोरी के हिसाब से आएगा। और ये सब्जी, ये काई की सब्जी है? ये बेसन की सब्जी है, 30 का आएगा। ये बेसन की सब्जी है? अच्छी वो चक्की है क्या, बेसन की चक्की? अरे वाह क्या बात है, बेसन की चक्की तो हमने राजस्थान में खाई थी, बड़ी अच्छी लगी थी हमें। तो ये कितने की है? ये 30 का आएगा। ये 30 का आएगा। और ये सब्जियां काई काई की है? ये आलू पनीर, आलू मटर, आलू गोभी की। अच्छा गोभी, अच्छा वाह, ये कितने का है? सब 30 का है? ये भी 30 का है। और ये आलू बैंगन 30। अरे ये भी चने दाल है गाइस, ये चने दाल तो हमने सुबह खा ली है। अब हम नहीं, दालमा हम सुबह खा चुके गाइस, अभी हमारी हिम्मत नहीं खाने की। और ये मुझे दिख रहा है मेरा फेवरेट पनीर, ये कितने का? ये भी 30 का है। पनीर 60 का है। मतलब पनीर होते ही 60 का हो गया, 30 रुपए डबल का हो गया। अच्छा गाइस पनीर तो सोचा था खाएंगे, अब तो 60 का निकला, मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊंगी। और गाइस यहाँ पे देखिए सैलेड वैलेड है, और ये रंग बिरंगी सब्जियाँ, फ्राइड सब्जियाँ भी हैं। एंड गाइस ये देखो आलू का इनका भरता भी है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा गाइस कि हम, क्योंकि आज हम बहुत सस्ता चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में से हमारे 20 रुपए तो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। तो अब हम, अच्छा तो ऐसा करना भैया, हमें 10 रुपए का चावल लगाना। हाँ
चावल के ऊपर हमारी 10 रुपए की आप दाल डाल देना। और ये बड़ी अच्छी सब्जी दिख रही है, ये आलू और साग की है, तो इसमें मिक्स है क्या सब कुछ? सब कुछ मिक्स है, क्या बात है। तो ये कितने का था? ये भी 10 का है। 10 का ही है। अच्छा, तो मतलब 30 रुपए में हम अपनी थाली तैयार कर ही लेंगे। अचार तो फ्री दोगे? गाइस, अचार में कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, देखो इसके पैसे नहीं है देने को। तो हमें एक प्लेट बना देगा, चावल दाल और ये, और अचार फ्री। कितने स्वीट है भैया, सीरियसली। सो गाइस, यहाँ पे हमारा लंच बोल जो तैयार हो गया, अभी तक तो मेक्सिकन बोल तैयार कराया करती थी, और अब आज तैयार कराया मैंने लंच बोल, वो भी इंडियन लंच। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पूरा चावल और दाल भर भर के, ऊपर से इन्होंने जो भाजी डाली है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, साथ में है लाल मिर्ची, थोड़ा सा अचार भी भैया ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया, और फिर एक करेला वो भी नीम चढ़ा जो है इन्होंने ऊपर से दिया। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ 30 रुपए में हमारा पेट, मुझे वैसे तो लगता है गाइस भर जाएगा, क्योंकि बोलना बहुत बड़ा है, अभी पता चलेगा खाने में कैसा है। ऑलराइट, यार इनकी टमाटर की चटनी तो बहुत बढ़िया है, एकदम खट्टी खट्टी और मीठी मीठी है, और दाल में इन्होंने जो तड़का डाला है ना, लाल मिर्च, राई, और आई थिंक वो कलकत्ता में भी एक दाल में तड़का डालते हैं अलग सा, वो भी इन्होंने उसके अंदर डाला है। Guys, you won't believe. जो आलू और तरकारी, जो आलू भाजी की सब्जी इन्होंने बनाई ना मिक्स, उसके अंदर आलू भी है, हरे हरे पत्ते का साग भी है, और इसके अंदर छोटे छोटे बैगन भी डाला है, बहुत ही अमेजिंग है। कुछ भी इसमें से तीखा नहीं है, आप आराम से जो आपकी पॉकेट अलाउ करे उसके अंदर आपको आराम से भर पे लंच खाने को मिल जाता है। यही तो है हमारे उड़ीसा का कमाल, की कम हो या ज्यादा खाना मिलेगा बहुत ही अच्छा अच्छा और बहुत ही ज्यादा। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और अब बचे मेरे पास पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए, और अब मुझे ढूंढना है कि मेरे बजट में यहाँ क्या बैठेगा। ओ ओ ओ, मुझे मिल गया मेरे बजट वाला खाना गाइस, ये देखो यहाँ पे है इतने सारे पानी पूरी। एंड गाइस, यहाँ उड़ीसा में पानी पूरी को बोला जाता है गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ऐसे गुपचुप करके बातें करेंगे ना, गुपचुप गुपचुप, वैसे ही है इतने बड़े सारे गुपचुप। तो नमस्ते भैया, कितने के दिए गुपचुप? 10 रुपए के 5। अरे यार ये सही है, यहाँ तो मुझे मोल भाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बात बता भैया, आपने अपने गुपचुप खाए कितने खा लेते एक दिन में? सब दिन नहीं होगा, मन होगा तो खाओगे, पर हमको लगता है ये रोज बहुत गुपचुप खाते हैं, इनके पेट में भी एक बड़ा गुपचुप बन गया है। तो हमें खिलाइए गुपचुप, मेरे में बन जाएगा? नहीं गाइस, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूंगी, गुपचुप बनने नहीं दूंगी गाइस। ये देखिए यहाँ पे, अरे वहाँ पीनट चलते हैं, क्या बात है, छोटे छोटे चने भी हैं व्हाइट वाले, और चटनी वटनी सब डाल के देना भैया, एकदम बढ़िया बना के देना हमको, धीरे धीरे खिलाना धीरे धीरे। ये देखिए गाइस, ये मसाला जो है बढ़िया तैयार कर रहे हैं एकदम, ये देखो पहला गुपचुप। इनका पानी ना, इसमें मिर्च का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, वैसे मैं बोलूँ ना बहुत ही सटल पानी है, मसालेदार तो है पर ये मसाले ना आपको हिट नहीं करेंगे, मजेदार है गुपचुप। अब एक गुपचुप ना मैं, अरे भैया मेरा तो एक गुपचुप ही गिर गया, अरे ये क्या कर रहा है ना, मेरा गुपचुप ही गिर गया, चलो कोई बात नहीं, अब चार ही खिला देना, सीधे खा लो गुपचुप। इतने बड़े गुपचुप देखी, मुझे लग रहा है कि अब मेरे पेट में ना गुपचुप 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 जरूर बन जाएगा। इट्स डिनर टाइम गाइस, और डिनर के लिए मेरे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए। तो देखती हूँ गाइस, मेरी मशक्कत गाइस ये है कि इन 40 रुपए में मैं अपनी डिजर्ट के लिए गाइस कितने रुपए बचा पाती हूँ, क्योंकि डिजर्ट के बिना ना मुझे वीडियो बनाने में मजा नहीं आता है गाइस। तो चलो पता करें यहाँ क्या मिल रहा है। भैया आप क्या क्या मिल रहा है? चिकन पकौड़ा। अच्छा नहीं, वो अभी मुर्गी के पकौड़े नहीं खा पाएंगे भैया, सॉरी भाई राम, चिकन पकौड़ा तो नहीं खाऊंगी। चलो वो देखो भाई, वो वहाँ पीछे तो बड़ी बड़ी हांडियाँ दिख रही है, एक है बड़ी हांडी, एक है छोटी छोटी हांडी, और पता करें हांडियों में क्या मिल रहा है। आ जाओ भैया, ये हांडियों में क्या मिल रहा है? वेज बिरयानी है। अच्छा वेज बिरयानी, भाई यहाँ पे तो वेज बिरयानी मिल गई, तो देखती हूँ मेरे बजट में आती कि नहीं। कितने की है? 60 हाफ। तो फुल कितने की है? 120। अरे बाप रे, ये तो मिलने वेज बिरयानी वैसे 60 की हाफ है। अरे ये तो मेरे बजट से भी बाहर चला गया गाइस, मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए बचे। और ये चाउमीन बना रहे हैं, चाउमीन कितने की है, फुल या हाफ? ये हाफ में भी 40 रुपए दे दोगे हैं? अरे गाइस 40 रुपए तो बचे, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ऐसा करो, कितना बड़ा प्लेट है? बहुत बड़ा प्लेट है क्या? दिल खोल के दिखाना प्लेट कितना बड़ा है, इतना बड़ा प्लेट है। अच्छा अब ऐसा है कि हमको 30 रुपए का फिर वेज चाउमीन दे दो, 30 रुपए है हमारे पास, दोगे? पक्की बात, पक्की बात। अरे ये दिलदार लगे भैया मुझे, ये देखो मुझे 30 रुपए में ना चाउमीन दे देंगे तो सिर्फ 10 रुपए बचे। हाय राम, 10 रुपए में कुछ मीठा आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये हमको
30 रुपए की चौमिन दे दीजिएगा। यार ये सही था यार, ये तो बहुत ही गजब का काम हो गया कि देखो 30 रुपए में भर प्लेट चौमिन, ये देखे कितनी सुंदर मुंदर जो है चौमिन भैया ने हमको लगा के दी। और एकदम सबसे अच्छी बात पता क्या, एकदम फ्रेश बना रहे थे और हम तो सोचे कि बिरयानी सस्ती होगी, बट नहीं चौमिन सस्ती निकल आई। तो चलो अभी खा के देखते हैं कैसी बनाई है। नहीं 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 बहुत बढ़िया, वैसे बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। अगर गजब का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, अब तक मैं सच बताऊँ सबसे अच्छा ना मुझे चाउमीन ही लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग बन गया है। सब्जियाँ भी भैया ने भरपूर तरीके से इसके अंदर मिलाई है। इनके नूडल्स देखो, अभी नूडल्स देख रहे हो, एकदम पतले पतले वाले क्वालिटी के नूडल्स हैं, एकदम पाइपिंग पाइपिंग हुआ चाउमीन है। अब सिर्फ 10 रुपये बचे, अब सिर्फ 10 रुपये बचे, अब गाय 10 रुपये में कोई डिजर्ट ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चल इसको ख़त्म करते फिर खाएंगे सीधे फिर डिजर्ट। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। और मैं आ गई हूँ इतनी बड़ी बापू स्वीट्स की दुकान में, जहाँ पे गाइस टास्क ये है कि इस 10 रुपए में मुझे क्या खाने को मिलेगा। तो आ जाओ, उड़ीसा में है, मुंह मीठा करना तो बनता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे। ओ माय गॉड, इतनी सारी मिठाइयाँ लगी हुई है, कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई हैं, बट ये तो गाइस बड़ी महंगी महंगी सी लग रही है। अब पता तो करना पड़ेगा कि 10 रुपए में क्या क्या खाने को मिलेगा, क्या क्या नहीं गाइस मिलेगी। तो एक ही चीज मुझे पता है, और ये क्या है, ओ माय गॉड इतने सारे रसगुल्ले, जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे गाइस ब्राउन है, येलो है, और ये देखो येलो में भी 3-4 तरीके के वेरिएशन है, उनके साइज भी गाइस बहुत ही फर्क फर्क वाले हैं। ऐसा क्या, और यार ऐसा क्या रसगुल्ले में, भैया भैया आप ये कुछ बताइए इन रसगुल्लों के बारे में, कितने कितने के हैं? 12 रुपए। कितने, एक या दो? एक। अच्छा, एक 12 रुपए में। अच्छा, और ये 25 रुपए, ये तो बहुत बड़ा, ये तो हमारे पेट में ही नहीं जाएगा, हमारे खाते खाते पेट भर जाएगा। और ये तो छोटा है, ये तो छोटा है, 6 रुपया। ये भी 6 का है, 6 रुपया वो एकदम छोटा नन्ना। और ये बीच वाला 12 रुपए। अच्छा 12 रुपए। अब चैलेंज करते करते 10 रुपए बचे, 10 रुपए में कौन सा रसगुल्ला खिलाओगे? 10 रुपए में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अरे अरे 2 रुपए की रियायत कर दो। नहीं नहीं 6 रुपए में तो फिर मेरे 4 रुपए बच जाएंगे। अरे भैया ऐसा करो ना, ये 10 रुपए में खिला दो। अच्छा रसा थोड़ा निचोड़ देना, 2 रुपए का रसा कम कर देना, है चलेगा? नहीं अरे भैया मान जाओ। अरे ऐसे ऐसे मुस्कुराहट इतनी थी, थोड़ा रसा कम कर देना, 10 में बैठ जाएगा। अरे बैठ जाएगा भैया, ऐसा मत करो। अरे बैठेगा, बैठा लो। इतनी इतनी भोली प्यारी सी बच्ची आई है आपके पास, आप मुझे 2 रुपए, आप मुझे 2 रुपए नहीं लौटा दोगे? बोलने से हम दे देगा, आंटी को बोलने से दे दोगे? आंटी को तो हम पटा लेंगे। नहीं नहीं आंटी जी बोलेगा 5 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, दे देगा। अच्छा चलो हम आंटी को पटा के आते हैं। ये भैया तो हमसे पटे नहीं, अब हम आंटी को पटाएंगे। आइए आइए आइए, देखिए नमस्ते। हम वो भैया जी को पटा नहीं पाए, अब हम आपको पटाने आए हैं। हमें 12 रुपए का रसगुल्ला, हमें 10 रुपए में चाहिए, हमारा चैलेंज चल रहा है। अगर आपने हमें नहीं दिया तो हम हार जाएंगे, आप हमें दे दीजिए। नहीं हम 10 रुपए लगाएंगे, हम 4 रुपए का लगाएंगे। हम आपको हारने नहीं देंगे। नहीं देंगे, ये अच्छी बात है, ये अच्छी होती तो आप 10 रुपए में देंगी? दिलदारी वाली बात। यहाँ पे आंटी ने हमारे 2 रुपए की रियायत करके हमको गाइस चैलेंज जिता दिया है। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम भैया से अपना रसगुल्ला खाएंगे एकदम चौड़े में। आजा। अब आंटी ने बोल दिया, अब तो दे देंगे ना। हाँ अब देखो भैया एकदम ठंडे मुलायम से हो गए, अब हमको 12 रुपए का रसगुल्ला 10 मिनट में पक्की तरीके से देंगे। सो गाइस ये आ गया हमारा 10 रुपए का रसगुल्ला, वो भी गुड़ वाला है। देखो देखो ये छेने का रसगुल्ला है गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब इसको हम बढ़िया निचोड़ के जो है पूरा गजब तरीके से खा जाएंगे। आह ये तो मुझे कितना बढ़िया दिख रहा है यार। गड़ा का छेने का रसगुल्ला है सबका सबसे बड़ी बात। मैंने पहली बार ना गुड़ की चाशनी में डूबा हुआ सफ़ेद रसगुल्ला खाया, जो हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया, जो सिंपली माइंड ब्लोइंग, इतना गड़ा का था यार, मुंह में जाते ही भूल गया। तो रात को चैलेंज हम गए हैं जीत। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। आप मिलेंगे किसी और चैलेंज में। बाय। आंटी ने तो हमें जिता दिया।